एक मेरी फ्रेंड है जो अभी आ रही है, मैं अभी मिलवाता हूँ उनसे आपको। तो उनका नाम यार अजीब सा नाम है, मुझसे लिया नहीं जा रहा है, अभी उनसे मिलवाता हूँ। शी इज कमिंग, आइए आपको मिलवा देते हैं। इनका नाम बहुत अजीब है यार, मुझसे लिया नहीं जाता। क्या नाम है आपका? सानिया? शानी सानी ना, ना, शानी ओ भाई नाम बड़ा वैसा है। और आप देख सकते हो यहाँ की ब्यूटी, विशाखापट्टनम ब्यूटी। ओ माय गॉड। तो वही हम दोनों काउच सर्फिंग पे ही मिले थे, तो वहीं पे इनसे बात हुई मेरी। और ये अभी मिलने आए थे, तो अभी हम आए हैं सिटी सेंटर। वैसे इसका नाम सिटी सेंटर नहीं होना चाहिए, इसका नाम कपल पार्क होना चाहिए। सीरियसली यार यहाँ पे गजब माहौल है यार, आप सोच नहीं सकते। एक बार जब आप विशाखापट्टनम आओ तो सिटी सेंटर पार्क जरूर आना। सेंटर पार्क तो होना ही नहीं चाहिए, किसने बना दिया उसका नामकरण इसके रखा है? नामकरण के लिए मुझे बुलाना चाहिए था कि इस पार्क का नाम क्या रखा जाए। बिल्कुल भाई जी, हेलमेट मैंने सेफ्टी के लिए पहना हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये साउथ अफ्रीका से है, और साउथ अफ्रीका नहीं नहीं अफ्रीका ईस्ट साउथ अफ्रीका है। ओके ओके, यूके यूके यो। अफ्रीका से। ओके। बोलो। हाँ, मैं मॉरिशस से हूँ। अच्छा, मॉरिशियस। हाँ, ये ईस्ट अफ्रीका के पास एक आइलैंड है, अफ्रीका में नहीं है, अफ्रीका के पास है, अच्छा नियर अच्छा अफ्रीका। ओके। तो हाँ, गाइस, और इनकी हिंदी इतनी अच्छी है ना कि यार सच में। अरे नहीं यार, पूरी नहीं है, सच में बहुत अच्छी है। ओ भाई मैं जरूर जाऊंगा भाई उस आइलैंड पे, और इनके इनके साथ ही चलेंगे। ठीक है ना गाइस, और जिस जिसको ज्वाइन करना हो आ जाना भाई। इन्हीं के घर पे जाके डेरा डाल देना। तो गाइज हमने ये एयरक्राफ्ट म्यूजियम एंट्री किया है, तो आप देख सकते हो। एंड्रेड टुप्लोव, रशियन आर्मी कमांडर ऑफिसर। दिस इज योगेंद्र मायर, कैप्टन। रोहन कुमार एंड फ्लाइट इंजीनियर। दिस इज फ्लाइट इंजीनियरिंग। नॉट मेंशन इट ये बहुत ग्रेट स्टोरी है। नाइस। हमारी मिसाइल है, इनसे हम अपने जितने भी दुश्मन सबको उड़ा सकते हैं। ये देखिए कमाल हो गया। नहीं इंजन है यार। ये एयरक्राफ्ट का इंजन आप देख सकते हो, एयरक्राफ्ट इंजन NK-20 MP। वाह, वो एक ऐसा फील कराएगा जैसे कि आप एक एयरक्राफ्ट के अंदर हैं, तो ऐसा ही कुछ होता है एयरक्राफ्ट के अंदर का थोड़ा सा। वाह यार, टायर्स देखिए आप, ये शायद पीछे का टायर होगा और ये वाला फ्रंट होगा। आई थिंक, आई डोंट नो, बहुत हैवी है। कुछ गैजेट्स यहाँ पे भी रखे हुए हैं, शायद सैटेलाइट ट्रांसमीटर, एंटीना, एयर क्रू सर्वे मेन्यू।
एयरक्राफ्ट के बारे में, तो ये पूरा एयरक्राफ्ट के बारे में पूरा एक वीडियो है, हमें थोड़ा मोटिवेशन वीडियो बनाया गया है। तो इन्होंने बताया कि इंजन इंजन सब चीज़ की इसमें डिटेल दी जा रही है, आप यहाँ पे अभी देख सकते हो। और सुपर चला। तो अब ये गाइस हम जा रहे हैं एक एयरक्राफ्ट के अंदर, अभी दिखा देते हैं। जैसे एयरक्राफ्ट के ऊपर कलर वलर किया जा रहा है, उसको पूरा नया बनाया जा रहा है। तो गाइस मैं आपको अभी एयरक्राफ्ट दिखाता हूँ अंदर से कैसा होता है, तो चलो चलते हैं। तो एयरक्राफ्ट के अंदर जाने का रास्ता पूरा एयरक्राफ्ट ही खड़ा हुआ है, तो आज इसे उड़ा दें, आज हम इसे उड़ा के देखेंगे कि कैसा है। ओके गाइस, एयरक्राफ्ट। तो गाइस आपको ने देख लिया होगा, एयरक्राफ्ट अंदर से दिखा रहा हूँ मैं आपको कैसा होता है। तो देखिए गाइस पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट, वाओ नाइस, इन्होंने पूरा अच्छा से बना रखा है। पार्ट्स गाइस 150। तो अभी गाइस हम आए रोप वे है, तो अगर आप रोप वे से भी जाना चाहते हो कैलाशगिरी पे, तो 150 का चार्ज है, आप जा सकते हो उससे भी, बट मैं तो अभी सीढ़ियों से ही जा रहा हूँ। तो गाइस क्या व्यू आ रहा है यार पीछे, आप देख सकते हो मेरे पूरा समंदर दिखाई दे रहा है। तो गाइस यहाँ पे हमें कोई लिफ्ट नहीं मिल रही है यार, लिफ्ट दिलवाओ यार जल्दी जल्दी यार जल्दी, मैं भी थक गया हूँ और साथ में ये भी थक चुकी है मिस सानिया। मैंने नाम चेंज कर दिया, सानिया कर दिया इनका, सानिया नहीं बोला जाता मुझसे, नाम नहीं बोला जाता। तो गाइस उनसे थोड़ी मेहनत करवाई जा रही है, मैं थोड़ा वीडियो शूट करवा रहा हूँ उनसे। एक कार हो रहा है, एक कार हो रहा है, कार की तरफ दिखाओ, लिफ्ट देंगे नहीं दे रहे। नहीं मिली भाई, लिफ्ट नहीं देगा कोई भी आज। अरे शायद पहुंच गया। बस ये है क्या? हाँ खत्म हो गई यहाँ पे लिफ्ट। हम लिफ्ट क्यों मांग रहे हैं? हम पहुंच गए। हाँ हाँ ऑलमोस्ट हम पहुंच गए, वैसे हमें लिफ्ट किसी ने दिया नहीं। तो फाइनली गाइस हम कैलाशगिरी के पहाड़ पर ऊपर पहुंच चुके हैं और ट्रैकिंग करके आए हम। तो आप देख सकते हो ये मेन गेट, वाओ काफी अट्रैक्टिव, काफी क्राउड है आप देख सकते हैं, तो काफी क्राउडेड एरिया है गाइस। तो यहाँ पे कैलाशगिरी पर्वत पे मैं पहुंच चुका हूँ आप देख सकते हैं। नो ब्रो थैंक यू। एंड तो गाइस मेरे पीछे आप देख सकते हैं महादेव और पार्वती जी विराजमान हैं बिल्कुल पहाड़ों के ऊपर एकदम। तो वहाँ चले ऊपर, तो ऐसे चलते हैं, अभी हम पास में जा रहे हैं। हाय ब्रो, हाय हाउ आर यू, या हाय हाय, ये ट्रिप पे चार्ज करते हैं फोटोज का, तो आप अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो वो ले करवा सकता है, बाकी अपने पास तो कैमरा है तो हमें क्या जरूरत है। आई थिंक शी वॉज वेरी टायर्ड। तो गाइस हेलो, वाओ ग्रेट यार। तो अभी हम वापस निकल रहे हैं, पूरा का पूरा एक्सप्लोर कर लिया है मैंने। तो इन्होंने काफी हेल्प की मेरी घूमने में, कहाँ ये
ये रे, मुझे लगा खो गई है ये। तो काफी हेल्प की इन्होंने घूमने में मेरी, तो काफी मजा आया। तो अभी जा रहे हैं हम ऋषिकुंडा बीच, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत चिल करेंगे, फिर गाइस मैं निकल जाऊंगा विशाखापट्टनम को, लास्ट टाइम बाय बाय बोल देंगे फिर हम, है ना। ओके, और साथ में इनको भी बाय बाय बोल देंगे हम फिर। ओके, फिर मिलते हैं हम लद्दाख वाली ट्रिप में। तो ये ठीक है भाई, चलते हैं अभी ऋषिकुंड है क्या? अच्छा, ऋषिकुंडा बीच। ओके, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो एक्चुअली अभी विशाखापट्टनम को बाय बाय बोलना पड़ेगा, तो नाउ बाय बाय विशाखापट्टनम। एंड इनसे तो आप मिल ही चुके हो, सिरराज भाई आ जाए थे, नेक्स्ट टाइम हम बहुत दिन गुजारेंगे। ओके ओके, बाय बाय।